आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है अध्याय 9 यानी कि जैवाणु। इसमें जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं वह हैं रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें, प्राथमिक व द्वितीयक उपचायक, बृहत जैवाणु, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन की संरचना, एक बहुलक में एकाकी जोड़ी वाले बंधों की प्रकृति, शरीर अवयवों की गतिक अवस्था व पेशी की अवस्थाएं सब हमें पढ़नी है इसमें। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमने डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। रासायनिक विज्ञान में आपने देखा होगा तत्व का विश्लेषण, पादप और प्राणी ऊतक एवं सूक्ष्म जीवों में तत्वों का परीक्षण करें तो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है जिनकी मात्रा जीव ऊतक की प्रति इकाई मात्रा से भिन्न होती है। ठीक है, निर्जीव पदार्थ जैसे भूपट्टी में एक टुकड़ा अगर आप करें तो उसमें तत्व की उपस्थिति की सूची प्राप्त होगी, लेकिन दोनों सूची में क्या अंतर है अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है, सभी तत्व जो भूपट्टी में मिलते हैं वही जीव के ऊतक नमूने में भी मिलते हैं। जैसे निर्जीव पदार्थ पर पाए जाने वाले तत्व की यहाँ पर तुलना की है, जैसे तत्व हैं और इनका परसेंटेज भार भूपट्टी पर और मनुष्य शरीर में एग्जाम्पल लिया गया मनुष्य का। ठीक है, जैसे तत्व हैं हाइड्रोजन या 0.14 है, आप पहले तत्व देख लीजिएगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। भूपट्टी में इनका परसेंटेज 0.14, 0.03, 46.0, बहुत थोड़ा होता है नाइट्रोजन। बाकी सल्फर सोडियम आप देख सकते हैं, सल्फर 0.03, सोडियम 2.8, कैल्शियम 3.6, मैग्नीशियम 2.1, सिलिकॉन, ये सब। और मनुष्य शरीर में इनका जो परसेंटेज है वह कुछ कुछ का नगण्य है। ठीक है, सी एन राव द्वारा जो अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री है वहाँ से लिया गया है, विश्वविद्यालय में प्रकाशित है हैदराबाद में। ठीक है, तो हमने देखा कि जो निर्जीव और जीव दोनों ही के शरीर में पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज थोड़ा अलग होता है लेकिन पाए दोनों में जाते हैं। रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें, देखिए रासायनिक संगठन का विश्लेषण ध्यान से समझिएगा कैसे किया जाता है। किसी भी जीव ऊतक जैसे सब्जी या यकृत का टुकड़ा लें, उसे खरल या मूसल की सहायता से ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल के साथ पीसते हैं तो बाद में एक गाढ़ा कर्दम स्लरी प्राप्त होगा। पुनः इसे महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ने से यानी कि छानने से हमें दो अंश प्राप्त होंगे, एक अंश जो अम्ल में घुला होगा उसे निष्पंदन कहते हैं, फिल्ट्रेट, व दूसरा अंश जो अम्ल में अविलेय होगा उसे रिटेंटेंट कहते हैं यानी कि धारित धारित कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया। इनके बारे में उच्च कक्षा में पढ़ोगे कि जो जीव ऊतक के नमूने का विश्लेषण व इनमें मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे की जाती है, आप हायर क्लास पढ़ेंगे बीएससी एमएस में। ठीक है, या और भी मेडिकल फील्ड में किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उससे मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधि अपनाते हैं जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता, यह एक शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीव ऊतक में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को जैव अणु कहते हैं। जीव ऊतक में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। लेकिन जीव में किसी भी अकार्बनिक तत्व व यौगिक भी मिलते हैं, थोड़ा भिन्न अंतर है। भंजक का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा अगर हम इसकी पहचान करें तो। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ की ध्यान से समझिएगा, जीव तक जैसे पर्ण या यकृत की थोड़ी मात्रा लेकर उसे उसका नंबर से ड्राइवेट कहलाता है, उसका जो हम थोड़ी मात्रा लेंगे तोल कर, ठीक है, उसे शुष्क कर लेंगे, सुखा लेंगे, और संपूर्ण जल जैसे उसका वाष्पित होगा तो बचे हुए पदार्थ को जो है संपूर्ण रूप से जलाया जाता है और जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। जो बचेगा लास्ट में राख, उसमें जो है उसका विश्लेषण करके हम अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि का जो है सल्फेट, फॉस्फेट आदि का हम विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, इसी कारण जो तत्व विशेषकर विश्लेषण में जो है किसी भी जीव ऊतक के
तत्व इस संगठन को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। ये रही आपकी जो जानकारी है, क्या क्या पाए जाते हैं करके उसमें। अभी हमने आपको बताए थे जो जो एलिमेंट होते हैं तत्व जीव में, ठीक है। यौगिक के परीक्षण से प्राप्त जीव ऊतक में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक तालिका यहाँ पे दी गई है। रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिक आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड क्षार, वसा अम्ल आदि में वर्गीकृत करते हैं। बायोलॉजी में अलग कहेंगे हम, ठीक है। केमिस्ट्री में तो एक एक ग्रुप में जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर जीव तक में पाए जाने वाला कार्बनिक अवयवों की सूची देखिएगा। जैसे सोडियम है घटक, सूत्र आप देख सकते हैं, Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम K++, मैग्नीशियम Mg, जल S2, और यौगिक कौन कौन से मिलते हैं जीव तक में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, NaCl, CaCO3, PO4 twice minus और SO4 twice minus, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें इसके एक ही कार्बन अल्फा कार्बन पर एक अमीनो अम्ल व एक क्षारीय समूह प्रतिस्थापित होता है, इसी कारण इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये प्रतिस्थापित मीथेन है, ठीक है। अमीनो अम्ल चार प्रतिस्थायी समूह चार संयोजकता स्थल से जुड़े होते हैं। ये समूह हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो अम्ल तथा भिन्न समूह वाले आर ग्रुप होते हैं। आर समूह की प्रकृति के आधार पर जो अमीनो अम्ल होते हैं वह अनेक प्रकार के होते हैं। फिर भी प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल होते हैं वह 21 टाइप के होते हैं, ठीक है, 21 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में आर समूह हाइड्रोजन अमीनो अम्ल जैसे आर समूह की उपस्थिति, जैसे अगर हाइड्रोजन होगा तो हम उस अमीनो अम्ल को कहेंगे ग्लाइसिन, मेथाइल ग्रुप होगा तो एलेनिन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो सीरीन कहेंगे, ठीक है। अब 21 में से 3 को चित्र में दिखाया गया, अभी हम आपको बताएंगे कहाँ पर। अमीनो अम्ल के यौगिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो, कार्बोक्सिलिक व आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। अमीनो व कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर अम्लीय उदाहरण है ग्लूटामिक एसिड, सारे ग्लाइसिन तथा उदासीन वैलिन अम्ल होते हैं। इस तरह के एरोमेटिक अमीनो अम्ल टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन होते हैं। अमीनो अम्ल का एक विशेष गुण यह है कि अमीनो अम्ल NH2 यानी कि अमीनो NH2 व कार्बोक्सिलिक COH समूह आयनीकृत प्रकृति के होते हैं, अतः विभिन्न pH वाले विलयन में अम्लीय अम्लों की संरचना में परिवर्तित होते हैं, जिसे जिटर आयन कहते हैं, ठीक है। जब आप हर क्लास पढ़ेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिटर आयन की प्रकृति, अलग अलग समूह प्रतिस्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, साधारणतः लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं, लिपिड के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। साधारण पहले आप जिटर आयन के बारे में देखिएगा, बी को यहाँ पर जिटर आयन कहा गया है क्योंकि जो अमीनो अम्ल होता है उसमें अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह जो है इंटरचेंजेबल होते हैं, प्रतिस्थापित होते रहते हैं, ठीक है। और जब समान उसमें आयन का बैलेंस होगा तो उसे कहेंगे जिटर आयन, जब बराबर आयनों की जो मात्रा होगी। ज़्यादातर डिटेल आप हर क्लास पढ़ेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन अमीनो अम्ल यहाँ पे इनकी संरचना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड के बाद हुआ है लिपिड। साधारणतः लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं, वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो आर समूह से जुड़ा होता है। आर समूह मेथेन, मेथिल एथिल या उच्च संख्या वाले CH2 समूह हो सकते हैं, 1 से लेकर 19 तक। उदाहरण पाल्मिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 16 कार्बन मिलते हैं। एक्टोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं तथा अम्ल संतृप्त बिना द्विक अबंध या संतृप्त एक एक से अधिक द्विअबंध प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा साधारण लिपिड क्रिस्टॉल है जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपीन होता है। बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरीन और वसा दोनों मिलते हैं। वसा अम्ल ग्लिसरीन से एस्टरीकृत होता है, तब वे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। गलन बिंदु के आधार पर वसा या तेल कहलाते हैं। तेल का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे जिंजैली तेल, अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ सकते होंगे जो पिघला हुआ होता है तेल,
उसे हम तेल कहेंगे, और जो सामान्य ताप पर नहीं पिघलता उसे लिपिड। लिपिड में फास्फोरस व एक फास्फोरीकृत कार्बनिक यौगिक होता है। ये फास्फोलिपिड जो कार्बन झिल्ली में मिलते हैं जैसे लेसिथिन, कुछ ऊतक विशेष तौर पर तंत्रिका तंत्र में अधिक जटिल संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट है, जीव में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलयुक्त भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षार, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन हैं। ये शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इनमें से फॉस्फेट समूह भी शर्करा से एस्टरीकृत रूप में हो तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडीन, यूरिडीन व साइटिडीन ये न्यूक्लियोसाइड हैं। एडिनिलिक अम्ल, थायमिडिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल और साइटिडिलिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए व आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम में आप देख लीजिएगा, जीव ऊतक में पाए जाने वाले कम अणु भार के कार्बनिक यौगिकों का यहाँ पर सचित्र चित्र है। यहाँ पर शर्करा, कार्बोहाइड्रेट आप यहाँ देख सकते हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस है, यहाँ पर ग्लूकोज है और राइबोस यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और राइबोस, एमिनो अम्ल हमने आपको बताया, वसा और लिपिड तेल यहाँ देख सकते हैं, फॉस्फोलिपिड यहाँ पर लेसिथिन दिखाया गया है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राई ग्लिसराइड है, फैटी अम्ल होता है जो, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लोसाइड आप यहाँ देख सकते हैं, नाइट्रोजन क्षार है यहाँ पे। ठीक है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, बाकी न्यूक्लियोटाइड्स, जब उसमें फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, अगर फॉस्फेट नहीं है तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड हम कब कहेंगे? जब शर्करा और नाइट्रोजनस बेस होंगे तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, लेकिन जब शर्करा यानी कि शुगर प्लस शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस होंगे तो हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अगला टॉपिक है प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखिए, जो केमिस्ट्री होती है रसायन विज्ञान, इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के छोटे या बड़े यौगिकों का जो है पृथक्करण कर सकते हैं और उनका संश्लेषण भी किया जा सकता है। कुछ बेसिक या मूलभूत उपापचयस होते हैं, ठीक है, जैसे शर्करा है, फॉस्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये होते हैं प्राथमिक उपापचयस। इनके अतिरिक्त भी जो जीव जंतु होते हैं, प्लांट कहें या फिर एनिमल या और भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके ऊतक में, इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जिन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या द्वितीयक उपापचयज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तालिका दिखाई गई है कुछ द्वितीयक जो उपापचयज हैं। हमने इससे पहले आपको जो प्राथमिक उपापचयज होते हैं, प्राथमिक मीन्स होता है मूलभूत, जो कोशिका में प्रेजेंट होंगे ही, जो जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में प्राणी हो या जंतु को होती है, ठीक है, उन्हें कहेंगे प्राथमिक उपापचयज, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनके अतिरिक्त भी कुछ जो पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण होता है। ठीक है, पादप हो, जंतु कोशिका या जो और होते हैं सूक्ष्म जीवी, इनके अतिरिक्त जो यौगिक होते हैं जैसे एल्कलॉइड, फ्लेनॉइड, रबर, वाष्पशील तेल, प्रतिजैवी, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले, इन सबको कहते हैं द्वितीयक उपापचयज। प्राथमिक उपापचयज ज्ञात कार्य करते हैं वह सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनकी भूमिका भी ज्ञात है अभी तक, लेकिन जो सभी द्वितीयक उपापचयज हैं जो प्राणी में पाए जाते हैं, इनकी भूमिका या कार्य अभी तक सबके बारे में पता नहीं है। ठीक है, इनमें से बहुत कुछ जैसे रबर, औषधि, मसाले, इत्र, वर्णक मनुष्य के कल्याण के लिए उपयोगी है, तो इन्हें द्वितीयक उपापचयज का जो है आर्थिक महत्व है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं द्वितीयक उपापचयज, जैसे वर्णक में हैं कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन आदि, एल्कलॉइड हैं मॉर्फिन, कोडेसिन, और टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, आवश्यक तेल नींबू घास तेल आदि, और टॉक्सिन है एप्रिन और रिसिन। टॉक्सिन में आपको बताया कि एप्रिन और रिसिन, ठीक है, लैक्टन्स में आते हैं कॉनकेन, वेलिन ए, ड्रग्स में बीन, ब्लेस्टीन, कुकुमिन आदि, बहुलक पदार्थ रबर, गोंद, सेलुलोज।
ठीक है, अब हम देखते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल या बृहद जैव अणु। आप समझे होंगे प्राथमिक मेटाबोलाइट्स, हमने आपको बताया जो कोशिका को उनकी प्राथमिक आवश्यकता होती है, उसके अतिरिक्त भी कुछ पदार्थों का जो है संश्लेषित किया जाता है इनके अतिरिक्त। ठीक है, अब उन्हें कहते हैं द्वितीयक मेटाबोलाइट्स या द्वितीयक उपापचय। अब है बृहद जैव अणु माइक्रो मॉलिक्यूल। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिक की एक सामान्य विशेषता है कि उनका जो अणुभार होता है वह 1800 से लेकर 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड व लिपिड मिलते हैं। लिपिड के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिक का अणुभार 10,000 डाल्टन से ऊपर होता है। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीव में मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जिनका अणुभार 1,000 डाल्टन से कम होता है, जिन्हें सूक्ष्म अणु या माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, जबकि जो अम्ल विलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें बृहद अणु या बृहद जैव अणु माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, जिनका जो अणुभार होता है वह 1,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, लिपिड्स के अतिरिक्त अविलेय अंश में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। लिपिड्स जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होता है वे अम्ल अविलेय अंश या बृहद आणविक अंश की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं देखिएगा, वास्तव में जो लिपिड होते हैं वह कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली व दूसरे झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम ऊतकों को पीसते हैं तब कोशिका संरचना विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियाँ टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं तथा पुटिका बनाती हैं जो जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, इन्हीं कारणों से इन झिल्लियों के पुटिका के रूप में टुकड़े अम्ल अविलेय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं जो बृहद आणविक अंश का भाग होते हैं। सही अर्थ में जो लिपिड होता है वह बृहद अणु नहीं है। अम्ल अविलेय अंश वास्तव में कोशिका द्रव संगठन का भाग है। कोशिका द्रव्य व अंगकों के बृहद अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीव ऊतक या जीव का संगठन बनाते हैं। यदि जीव ऊतक में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बाह्यता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए तो जीवों में पानी सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला रसायन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोशिकाओं का जो औसतन संगठन होता है, यहाँ पर अवयव दिए गए हैं और कोशिका पर भार प्रतिशत, तो आप देख सकते हैं जैसे जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और यहाँ पर आयन है अवयव। ठीक है, और कुल कोशिका भार का प्रतिशत अगर आप देखें यहाँ पर, जैसे जल का है 70 से 90%, प्रोटीन का 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट कुल कोशिकीय भार का जो है 3% होता है, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, और जो आयन होते हैं वो होते हैं 1%। ठीक है, कुल कोशिकीय भार का 1% होते हैं आयन। नेक्स्ट है जो मैक्रोमोलिक्यूल की श्रेणी में है प्रोटीन। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखला होती है जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। ठीक है, प्रत्येक जो प्रोटीन होता है वह अमीनो एसिड का पॉलीमर है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन आदि एग्जाम्पल हैं अमीनो अम्ल के। ठीक है, प्रोटीन समबहुलक नहीं है बल्कि विषम बहुलक हैं। इसमें होमोपॉलीमर जो होते हैं अर्थात समबहुलक के एकल की कई बार जो सिंगल यूनिट होती है वह बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, आवृत्ति होने से बनती है। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है कि जो बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे, कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। आपूर्ति खाद्य पदार्थ के द्वारा होती है। इस तरह आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अम्ल की स्रोत होते हैं। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य अनिवार्य हो सकते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अम्ल वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। नॉन एसेंशियल या अनिवार्य या अनिवार्य वे अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति हम खाद्य पदार्थों से करते हैं। प्रोटीन जीव में बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन और इनके कार्य यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रोटीन है उसके कार्य, फर्स्ट है प्रोटीन हम देख रहे हैं तो कोलेजन, और उसका कार्य है अंतर कोशिकीय भरण पदार्थ है। ट्रिप्सिन यह एंजाइम, इंसुलिन यह हार्मोन है। प्रतिजीवी की बात करें तो यह संक्रामककर्ता से लड़ता है।
ग्राही, संवेदी ग्राही, शुगना, स्वाद हार्मोन आदि, और ग्लूट फोर जो होता है वह ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन करता है। GLUT4, ग्लूट फोर, ठीक है। कुछ पोषक के कोशिका झिल्ली से होकर अधिगमन करके तथा कुछ संक्रमण जीवों के बचाने में सहायक होते हैं। प्रोटीन और कुछ एंजाइम के रूप में होते हैं, हमने आपको यहाँ तालिका में दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। अम्ल अविलेय भाग में दूसरी श्रेणी के बृहद अणु की तरह पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह कपास के रेशे विभिन्न प्रकार के एकल सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए सेलुलोज एक बहुलक है, पॉलीसेकेराइड है जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज से मिलके बना होता है। सेलुलोज एक समबहुलक है, यानी कि एक प्रकार के मोनोमर होंगे इसमें। इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च है। मंड सेलुलोज से भिन्न होता है, लेकिन यह पादप ऊतक में ऊर्जा का भंडार के रूप में मिलता है, ठीक है। सेलुलोज प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है पॉली सैकेराइड का, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। इनुलिन फ्रुक्टोज का बहुलक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपचायक व बायां सिरा अनअपचायक कहलाता है। यह शाखा युक्त श्रृंखला होती है, ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में। मंड में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना बनती है। मंड में आयोडीन अणु इस कुंडलित भाग से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडली नहीं मिलती है, इसी के कारण जो सेलुलोज होता है वह आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। आप यहाँ ग्लाइकोजन के अंश का चित्रात्मक रूप देख सकते हैं, जो ग्लाइकोजन है उसकी संरचना। यह प्राणी कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड के रूप में जो स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कागज पौधे की लुगदी से बना होता है जो सेलुलोज होता है। रुई के धागे सेलुलोज से बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। ये एमिनो अम्ल शर्करा और रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा है, ठीक है। पादप कोशिका मिलकर बनी होती, जो पादप कोशिका भित्ति होती है उसमें होता है सेलुलोज, ठीक है, और रुई के धागे भी सेलुलोज से बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। ये एमिनो अम्ल शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा जैसे ग्लूकोसामाइन, एसिटिलीन, ग्लूकोसामीन आदि से मिलकर बने होते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा का जो बाह्य कंकाल होता है वह काइटिन से मिलकर बना होता है। वह एक जटिल सैकेराइड है। ये जटिल पॉलीसेकेराइड अधिकतर समबहुलक होते हैं, होमोपॉली में, ठीक है। नेक्स्ट बृहद मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक अम्ल। एक बृहद अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड यह पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीसेकेराइड व पॉलीपेप्टाइड के साथ समिष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक बृहद अणु अंश यह बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड तीन भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है इसमें विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसेकेराइड व तीसरा फास्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन चार, जैसे ध्यान से समझिएगा, एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन व थायमिन होते हैं। एडिनिन व गुआनिन प्रतिस्थापित प्यूरिन हैं व अन्य तीन प्रतिस्थापित पिरिमिडीन हैं। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन व पिरिमिडीन कहते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज होगी, मोनोसेकेराइड पेंटोज या डीऑक्सीराइबोज होगी। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलती है उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए कहते हैं, वह जिसमें राइबोज मिलती है उसे राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए कहा जाता है, ठीक है। अब है प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन विषम बहुलक होता है। क्या होता है? विषम बहुलक, जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से मिलकर बना होता है। अणु की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भ में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायनों में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, ठीक है, जैसे NaCl, MgCl2 आदि। कार्बनिक रसायन विज्ञ जब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन आदि को व्यक्त करते हैं तो वे हमेशा द्विआमी दृश्य को व्यक्त करते हैं, टू डायमेंशनल। भौतिक विज्ञानी आणविक संरचना की त्रिआमी दृश्य को, जबकि जीव विज्ञानी प्रोटीन की संरचना चार तरह से व्यक्त करते हैं।
प्रोटीन में एमिनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसे पहला, दूसरा, इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल आएगा, इसकी जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन एक रेखा में हो तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व जो इसका दाहिना सिरा होगा, दाहिने सिरा उस पर अंतिम एमिनो अम्ल मिलता है। ठीक है, प्रथम एमिनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा कहते हैं, एन टर्मिनल एमिनो एसिड, जबकि अंतिम सिरे को कार्बन सिरा या कार्बन टर्मिनल एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी संरचना नहीं होती है, यह लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी होती है, घूमती हुई सीधी सीढ़ी की तरह है। वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती हैं। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है, इन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आप अभी डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर की ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई सी प्रतीत होती हैं, जिन्हें तृतीयक या टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यह प्रोटीन के त्रियामी थ्री डायमेंशनल या 3D रूप को या त्रियामी रूप को प्रदर्शित करती हैं। तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। अब देखो, प्राथमिक संरचना है प्रोटीन के, सिंपल लीनियर संरचना होती है यहाँ पर एमिनो अम्ल का। ठीक है, जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और संरचना बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद द्वितीयक संरचना होती है थोड़ा सा मुड़ी हुई, इसकी दो फॉर्म होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, यह द्वितीयक संरचना है प्रोटीन की। ठीक है, थोड़ा और घुमावदार संरचना होती है, इससे अगर और ही उजली हुई संरचना होगी तो उससे कहेंगे हम टर्सरी स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं जो इसे दृढ़ बनाते हैं। अगर उसके बाद भी ज़्यादा फोल्डेड है तो वह चतुष्ट या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती है, चतुष्ट संरचना प्रोटीन की आप यहाँ देख सकते हैं, और यह बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है। ठीक है, काफ़ी उलझी हुई। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों के समूह होते हैं। उप इकाइयों के जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए गोले की सीधी लड़ी गोले के एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिकाएं से संरचना आदि बनाती है, वे प्रोटीन के स्थापित्व को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें प्रोटीन की चतुष्क संरचना या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, वयस्क मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन होता है वह चार उपखंडों का बना होता है, इनमें से दो एक दूसरे के समान होते हैं, दो उपखंड अल्फा हेलिक्स अल्फा व दो उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन यानी कि SB का निर्माण करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कार्टून द्वारा प्रदर्शित किया गया है प्रोटीन की एक द्वितीयक संरचना और एक तृतीयक संरचना। ठीक है, और प्रोटीन की संरचना के इस तरह हमने आपको बताई, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। एक बहुलक में एकलों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एक एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह व अगले एमिनो अम्ल के अमीनो समूह के बीच अभिक्रिया के उपरांत जल अणु निकलता है और बाद में जो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो है प्रोटीन की संरचना होती है, और इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। एक पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड संभवतः ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, यह बंध भी निर्जलीकरण द्वारा बनता है, हाइड्रोजन का रिमूव होने के बाद। ठीक है, H2O का यह बंध आपस में दो मोनोसेक्राइड के दो कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है। न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड के एक शर्करा का 3' कार्बन अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड के शर्करा के 5' कार्बन से फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है। शर्करा के फॉस्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बंध एक एस्टर बॉन्ड होता है। एस्टर बंध दोनों तरफ मिलता है, अतः इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे इसे। न्यूक्लिक अम्ल में विभिन्न प्रकार की द्वितीयक संरचनाएं मिलती हैं, उदाहरण के लिए वॉटसन क्रिक का प्रसिद्ध नमूना है DNA का, जिसे वॉटसन और क्रिक का DNA
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक संरचना को प्रदर्शित किया था इन्हें। इस नमूने से स्पष्ट होता है कि डीएनए एक दोहरी कुंडलित रूप की संरचना है जिसमें पॉली न्यूक्लियोटाइड की दो लड़ियों के प्रति समानांतर होते हैं पैरलर प्रति समानांतर अर्थात एंटी पैरलर होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होते हैं। ठीक है, प्रति समानांतर। इसका मुख्य भाग शर्करा फॉस्फेट शर्करा श्रृंखला से बना होता है। नाइट्रोजन क्षार एक की तरफ मुख्य हुए मुख्य भाग पर लंबवत प्रक्षेपित होते हैं। एक लड़ी के क्षार एवं अनिवार्यतः दूसरे लड़ी के क्षार क्रमशः टी एम सी ए जो है जी के साथ और टी सी के साथ क्षार युग्म बनाते हैं। ए टी के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड जबकि जी और सी के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए की द्वितीयक संरचना आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, थायमिन और एडिनिन यानी कि ए और टी के साथ डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और जी और सी यानी कि गुआनोसिन गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक है, और आपस में जो जैसे थायमिन और गुआनिन है बीच में इनका फॉस्फेट ऐड होता है और जो बैकबोन बनाते हैं डीएनए की। ठीक है, जो ये रस्सी नुमा संरचना आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। एक श्रृंखला घुमावदार सीढ़ी जैसी प्रतीत में होती है। सीढ़ी का प्रत्येक पद क्षार युग्मकों का बना होता है। सीढ़ी का प्रत्येक पद दूसरे पद से 360 के कोण पर घुमा हुआ होता है। कुंडलित श्रृंखला के एक पूर्ण घुमाव में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। इस तरह डीएनए का रेखाचित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक पूर्ण घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है जबकि दो क्षार युग्मकों के बीच खड़ी दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। उपरोक्त वर्णित विशेषता युक्त डीएनए को बी डीएनए कहते हैं। ठीक है, डीएनए बहुत प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी जेड। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल आप हर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, जिनका नामकरण उनकी संरचनात्मक विशेषता के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए था वॉटसन अफ्रीका बी डीएनए था। शरीर अवयवों की गतिक अवस्था उपापचय की संकल्पना। जो जीव होते हैं इनकी कोशिकाओं में चाहे प्रोटोजीवा हो पौधे हो या प्राणी हो ये सभी हजारों कार्बनिक यौगिकों से मिलके बने होते हैं। ये यौगिक या जैव अणु एक निश्चित शांतता में मिलते हैं। इन्हें मोल्स प्रति कोशिका या मोल्स प्रति लीटर आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैव अणु इनमें हेर फेर होती रहता है अर्थात लगातार जो दूसरे नए जैव अणु होते हैं उनमें परिवर्तित होते रहते हैं और दूसरे जैव अणु से मिलके बनते रहते हैं। जीवधारियों में यह निर्माण और विखंडन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लगातार होते रहता है। बनना और बिगड़ना सभी इन रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन उपापचय कहते हैं। सभी उपापचय अभिक्रियाएं द्वारा जैव अणु का रूपांतरण होते रहता है। कुछ ध्यान से सुनेगा, कुछ उपापचयी रूपांतरण के दौरान एमिनो अम्ल से कार्बोहाइड्रेट के निकलने के बाद एमिनो अम्ल का एमीन में बदलना, न्यूक्लियोटाइड सार से एमिनो अम्ल का अलग होने, डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बंध का जल अपघटन, इस प्रकार 10 से हजारों उदाहरण हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अकेले नहीं होती बल्कि सदैव अन्य दूसरे अभिक्रियाओं से जुड़े होते हैं। उपापचयों का एक दूसरे में परिवर्तन आपस से जुड़ी अभिक्रियाओं की श्रृंखला है जिन्हें उपापचयी पथ या मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ठीक है, ये उपापचयी पथ शहर की कार मोटर यातायात व्यवस्था जैसी हैं। ये पथ या तो रेखीय या वृत्ताकार होते हैं। ये पथ एक दूसरे से आड़े तिरछे यातायात के संगम जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। उपापचय यातायात के कार मोटर संदर्श एक दिशा वेग व दिशा के उपापचयी पथ से होकर गमन करते हैं। यह उपापचयी बहाव शरीर के घटकों की गतिक अवस्था कहलाती है। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या जो जैव अणु होते हैं आपस में जुड़े हुए उपापचयी यातायात अत्यंत निर्वात गति के बिना दुर्घटना के स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने आवश्यक होता है। इसमें इन उपापचयी अभिक्रियाओं की दूसरी विशेषता यह है कि
प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक अभिक्रिया है अर्थात एंजाइम की आवश्यकता होती है। बिना जो जीव तंत्र में कोई भी उपापचयी रूपांतरण बिना उत्प्रेरक कैटलिस्ट के बिना नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना एक भौतिक प्रक्रिया है लेकिन जीव तंत्र में यह उत्प्रेरक अभिक्रिया है। उत्प्रेरक जो किसी उपापचयी रूपांतरण की गति को बढ़ाता है वो भी प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरक की क्षमता होती है उन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरक की क्षमता होती है। जीव का उपापचयी आधार मेटाबॉलिक बेस ऑफ ऑर्गेनिज्म उपापचयी पथ द्वारा साधारण पदार्थ से जटिल पदार्थ जैसे एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना व जटिल पदार्थ से सरल जैसे कंकाली पेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होते रहता है। पहले प्रकार की प्रक्रिया को जैव संश्लेषण पथ या उपचयी पथ कहते हैं, एनाबॉलिक पाथवे या बायोसिंथेटिक पाथवे। दूसरी प्रक्रिया में अपचयी या विखंडन होता है, इसमें रिडक्शन। इस पथ को अपचयी या कैटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। उपचयी पथों में ऊर्जा खर्च होती है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ अपचयी पथ द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे कंकाली पेशी में जब ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यह उपापचयी पथ जिसके द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है 10 उपापचयी चरणों में पूर्ण होता है, इसलिए इसे ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं, ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, जीवों में विखंडन द्वारा निकलने वाली यह ऊर्जा रासायनिक बंध के रूप में संचित कर ली जाती है। यह बंध ऊर्जा जब और जहां आवश्यकता होती है जैसे सिंथेसिस परासरण यांत्रिक कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्र जीव तंत्र में एक रसायन बंध ऊर्जा के रूप में मिलता है जिससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP कहते हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे जो है इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कैसे बनती है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये सब कहलाता है जैव ऊर्जा विज्ञान या बायो एनर्जेटिक्स। इसके बारे में आप हायर या उच्च क्लास में पढ़ोगे। अब है जीव अवस्था, लिविंग स्टेट। इस अवस्था में आप समझ चुके होंगे कि जो जीव होते हैं उनके अनुसार निश्चित सांद्रता में हजारों रासायनिक यौगिक मिलते हैं जिन्हें उपापचय या जैव अणु कहते हैं। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा 4.2 से 6.1 मिलीमोल जबकि हार्मोन की नैनोमीटर प्रति मिलीमीटर होती है, मिलीलीटर। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो जैविक तंत्र होता है उसमें सभी जीव एक स्थिर अवस्था में मिलते हैं। सभी जैव अणु की एक निश्चित मात्रा होती है। जैव अणु एक उपापचयी प्रवाह में होते हैं। कोई भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया स्वतः साम्य अवस्था को प्राप्त करती है। स्थिर अवस्था एक असाम्य अवस्था होती है। भौतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तंत्र साम्य अवस्था में कार्य नहीं कर सकता। जैसे जीव हमेशा कार्य करते हैं, कभी भी साम्य अवस्था की स्थिति नहीं हो सकती। अतः जीव अवस्था एक असाम्य स्थायी अवस्था है जिससे कार्य संपन्न होते हैं। जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है जिसमें साम्य अवस्था से बचा जा सकता है, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमेशा। उपापचय वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः जीव अवस्था व उपापचय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब है अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंजाइम। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित किया जा सकता है। एक एंजाइम भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो एमिनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीय और तृतीय संरचनाएं मिलती हैं, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। तृतीय संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि जो प्रोटीन की श्रृंखला होती है उसका प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इसमें बहुत सी दरारें या थैलियाँ बनती हैं। इस प्रकार थैली को सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली है जिनमें क्रियाधार आकर व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेजी गति से उत्प्रेरित करता है। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा अंतर जानना आवश्यक है। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम व दाब पर
कुशलता से काम करते हैं। एंजाइम अणु उच्च तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डीजेनरेट। साधारणतया अति उच्च तापक्रम जैसे गर्म स्रोत या गंधक के झरनों में पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं और उनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च तापमान 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बनी रहती है, ठीक है। उपरोक्त एंजाइम को ऊष्मा स्नेही जीव से पृथक किया जा सकता है, इस ऊष्मा स्थायी होते हैं और यह उनकी विशेषता जैसे थर्मस एक्वेटिकस से टैग पॉलीमरेज एंजाइम निकाला जाता है, ठीक है। बायोटेक में आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइम्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह क्या होती है। रासायनिक यौगिक में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन जिसमें बंध बिना टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तित हो जाता है, और अन्य भौतिक परिवर्तन में द्रव्य की अवस्था परिवर्तित होती है जैसे बर्फ का पिघलना, पानी में परिवर्तित होना या पानी का वाष्प में बदलना। ये सब क्या है, भौतिक प्रक्रियाएं हैं। इनके उदाहरण है रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंध का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए जैसे बोरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल से क्रिया कर बोरियम सल्फेट व पानी बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं बोरियम हाइड्रोक्साइड जो एसिड से अगर क्रिया कर रहा है तो बोरियम सल्फेट और पानी बनाता है। अकार्बनिक रासायनिक, यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। इसी प्रकार अगर टॉर्च का अवघटन स्टार्च होगा, यहाँ पे स्टार्च का जल अवघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर का सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट से होता है, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। दर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं, वेलोसिटी। भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है। एक शर्मान नियम के अनुसार प्रत्येक 10 सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः द्विगुणित या आधी हो जाती है। उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती हैं। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के उत्पन्न होने वाली अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है, उदाहरण आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम से जो है कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अगर आप इसे बिना एंजाइम के करेंगे तो काफ़ी एनर्जी की यूज होगा और ये काफ़ी धीमी होगी, लेकिन एंजाइम जैसे ही कार्बोनिल एनहाइड्रेज डालेंगे तो इसका प्रोडक्ट में भी काफ़ी हाई स्पीड से चेंज होगा और क्विक रिएक्शन होगी, ठीक है। यह अभिक्रिया बहुत ही मंद गति की है जिसमें एक घंटे में जो कार्बोनिक अम्ल होता है उसके 200 अणु का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बिना एंजाइम की क्रिया होगी तो यह एक घंटे में पूर्ण होती है और सिर्फ 200 अणुओं का ही निर्माण होगा, लेकिन इस अभिक्रिया में कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यह इससे तीव्र गति से संपन्न करता है और कार्बोनिक अम्ल के 600,000 अणु प्रति सेकंड बनते हैं, ठीक है। एंजाइम ने इस अभिक्रिया की दर को 1,000,000 गुना बढ़ा दिया। एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय होती है, इनबिलीवेबल, ठीक है। हजारों प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। बहुप्रसारी रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित होती है तो उन्हें उपापचयी या मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं, उपापचयी पथ। जैसे उदाहरण ग्लूकोज से 2 अम्ल पाइरूविक एसिड का बनना, आप देख सकते हैं ग्लूकोज प्लस O2 से 2 क्या बने, पाइरूविक एसिड। ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड का निर्माण एक रासायनिक पथ है जिसमें 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपापचयी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। आप अध्याय 14 में इनके बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। इस अवस्था में आपको जान लेना चाहिए कि एक ही उपापचयी पथ एक या दो अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचय उत्पाद बनाते हैं। कंकाली पेशियों में अनोक्सी श्वसन होता है जिसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि सामान्य ऑक्सी स्थिति में पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है ग्लूकोज से, ठीक है। खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पथ
द्वारा इथेनॉल या एल्कोहल का निर्माण होता है। विभिन्न दिशा में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण संभव है। अब देखिएगा एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है। एंजाइम के बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा इस प्रक्रिया को समझने के लिए। हमने आपको बताया कि जो एंजाइम होता है उसमें एक एक्टिव साइट होती है जिसे सक्रिय स्थल कहते हैं, जहाँ पर एंजाइम जो है सबस्ट्रेट यानी कि जो जिससे अभिक्रिया होता है अभिकारक से बांधता है उस स्थल को कहते हैं सक्रिय स्थल। ठीक है, रासायनिक या उपापचयी रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है जो रसायन उत्पाद में रूपांतरित, ध्यान से समझिएगा, जो रसायन उत्पाद में रूपांतरित होंगे उन्हें क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविमीय संरचना की प्रोटीन है जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। ध्यान से समझिएगा, ये सबस्ट्रेट है क्रियाधार और बाद में सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की उपस्थिति में प्रोडक्ट यानी कि पी में चेंज हो रहा है, एस से पी में, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में। क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट एंजाइम के सक्रिय स्थान जो दरार या पुटिका के रूप में होता है उससे जुड़ जाता है। क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। एंजाइम यानी कि ई जो है यहाँ पर एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह का निर्माण एक अकाल्पनिक घटना है। ठीक है, जो सबस्ट्रेट होता है वह एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण करता है जिसे संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या संक्रमण अवस्था संरचना। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त होता है, या कहें कि क्रियाधार की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, सब्सट्रेट से प्रोडक्ट में रूपांतरण का यह पथ तथा कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। स्थायी क्रियाधार और उत्पाद के बीच में बहुत सारी रूपांतरण संरचना अवस्था आती हैं। इस कथन का आशय है कि बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनाएं अवस्था अस्थायी होती हैं। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा स्थायी या संरचना से जुड़ा होना होता है। इस चित्र द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक दिखाया गया संरचना वाई एक्स पर अंतर्निहित ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है और एक्स पर संरचनात्मक रूपांतरण जिसका निर्माण मध्यवर्ती संरचना द्वारा होता है। अभी डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। दो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, फर्स्ट यहाँ पर क्रियाधार यानी कि सब्सट्रेट और दूसरा है उत्पाद, और इनके बीच का जो ऊर्जा स्तर है इनमें अंतर। यदि उत्पाद क्रियाधार से नीचे स्तर का है तो अभिक्रिया बाह्य ऊष्मीय होगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक। इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी चाहे यदि बाह्य ऊष्मीय या स्वतः प्रतिवर्तित अभिक्रिया या अंतः ऊष्मीय ऊर्जा आवश्यक अभिक्रिया को क्रियाधार उच्च ऊर्जा या संक्रमण अवस्था से गुजरना होता है। क्रियाधार और संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को संक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियाधार से उत्पाद के आसान रूपांतरण में सहयोग करता है। आप यहाँ देख सकते हैं संक्रियण ऊर्जा की संकल्पना है, एक विभव ऊर्जा है, दूसरा क्रियाधार की दर। देखिए, जब क्रियाधार उत्पाद में बिना एंजाइम के क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित होगा तो संक्रमण अवस्था काफी उच्च होगी एंजाइम रहित संक्रियण ऊर्जा, लेकिन जब क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट में हम एंजाइम डालेंगे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी उसकी या ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, ठीक है, वह काफी कम होगी और रिएक्शन भी जो अभिक्रिया है वो भी काफी जल्दी होगी। ठीक है, क्रियाधार से उत्पाद काफी जल्दी बनेगा जब हम एंजाइम का प्रयोग करेंगे, और जब इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो संक्रमण अवस्था भी उच्च होगी और संक्रियण जो ऊर्जा होती है उसकी भी आवश्यकता अधिक होगी। ठीक है, अब एंजाइम क्रिया की प्रकृति क्या है। प्रत्येक एंजाइम के अणु में क्रियाधार स्थल सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है जो क्रियाधार इनके सबस्ट्रेट से बंधकर सक्रिय एंजाइम क्रियाधार समृद्ध एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यह समृद्ध अलविदिका होता है जो उत्पाद एवं अपरिवर्तित एंजाइम में विघटन हो जाता है। इसके पूर्व में मध्यावस्था के रूप में एंजाइम उत्पाद एंजाइम प्रोडक्ट जटिल का निर्माण होता है।
एंजाइम क्रियाधार जटिल यानी कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण उत्प्रेरण के लिए आवश्यक है। एंजाइम प्लस सब्सट्रेट आप देखें तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। आप देख लीजिएगा एंजाइम प्लस क्रियाधार, फिर एंजाइम क्रियाधार जटिल, उसके बाद एंजाइम उत्पाद जटिल, उसके बाद एंजाइम और उत्पाद अलग अलग हो जाते हैं। एंजाइम अलग हो जाता है उत्पाद बनाने के बाद, ठीक है। अब एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरक चक्र को निम्न चरण से व्यक्त किया जा सकता है। देखिएगा सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध जाता है। बंधने वाला क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार बदलाव लाता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बंध जाता है, ठीक है। एंजाइम का सक्रिय स्थल अब क्रियाधार के काफ़ी समीप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पाद, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम प्रोडक्ट जिसे एंजाइम उत्पाद जटिल कहते हैं, उसका निर्माण होता है। एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को अनुमुक्त करता है, वह एंजाइम स्वतंत्र हो जाता है, क्रियाधार से दूसरे अणु बद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, इस प्रकार पुनः उत्प्रेरण चक्र प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। जो कारक प्रोटीन की तृतीय संरचना को परिवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं, जैसे तापक्रम, पीएच, क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधना उसकी क्रिया को नियंत्रित करता है। फर्स्ट हम देखते हैं तापमान व पीएच कैसे एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एंजाइम सामान्यतः तापक्रम व पीएच के लघु परिसर में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम व पीएच पर ही होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम या ऑप्टिमम टेम्परेचर व पीएच कहते हैं। इष्टतम मान के ऊपर या नीचे क्रियाशीलता घट जाती है, निम्न ताप पर एंजाइम अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है और उच्च ताप पर उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, क्योंकि उच्च ताप पर एंजाइम प्रोटीन को विकृत कर देते हैं। क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति बढ़ती है, अभिक्रिया अंत गुत्वा सर्वोच्च गति वीमैक्स प्राप्त करने के बाद जो क्रियाधार होता है यानी कि सबस्ट्रेट, उसकी सांद्रता बढ़ने पर भी अग्रसर नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणु की संख्या क्रियाधार के अणु से कहीं कम होती है। इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणु से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता है। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायन की उपस्थिति में संवेदनशील होती है, तो एंजाइम बंधते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इनहिबिशन। क्या कहते हैं? संदमन। वह उस रसायन को कहते हैं इनहिबिटर यानी कि संदमन, संदमक। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है तो एंजाइम की क्रियाशीलता को संदर्भित करता है, इससे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। संदमन की क्रियाधार से निकटतम संरचनात्मक समानता के फलस्वरूप यह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधक स्थल से बंधते हुए प्रतिस्पर्धा करता है। परिणाम स्वरूप जो क्रियाधार होता है वह बंधक स्थल से बंध नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप एंजाइम की क्रिया हल्की पड़ जाती है, मंद। उदाहरण के लिए सक्सनिक डिहाइड्रोजनेज का मैलेट द्वारा संदमन जो संरचना में क्रियाधार सब्सट्रेट के निकट समानता रखता है, ऐसे प्रतिस्पर्धी संदमन का अक्सर उपयोगी जीवाणुजन्य रोधकों बैक्टीरियल पैथोजन के नियंत्रण हेतु किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पीएच, तापक्रम तथा क्रियाधार की सांद्रता का एंजाइम सक्रियता पर परिवर्तन का प्रभाव। देखो पीएच एक ऑप्टिमम होगा तो अभिक्रिया होगी, तापमान भी एक ऑप्टिमम होगा तो इष्ट का तापमान, तब अभिक्रिया काफ़ी अच्छे से होगी, उससे कम होगी तो अभिक्रिया नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया डिजेनरेट हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं जब वेलोसिटी यानी कि सब्सट्रेट का प्रोडक्ट में जो है परिवर्तन आधा हो जाता है उसे वीमैक्स कहते हैं। वीमैक्स अपॉन टू जब हाई वेलोसिटी में होगा तो वेग पे तब जो है कंप्लीट सब्सट्रेट का प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्रियाधार का उत्पाद में। ज़्यादा डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है इसमें लास्ट है इस बायोमोलिक्यूल का,
एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण। हजारों एंजाइम की खोज विकलन व अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्तरण के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है, जिनका नामकरण 4 अंक की संख्या पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑक्सीडो रिडक्टेजा डिहाइड्रोजन, वह एंजाइम जो दो क्रियाधारों एस व एस के बीच ऑक्सी अपसेन को उत्प्रेरित करता है उसे ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। जो आप यहाँ देख सकते हैं उपचित और आश्रित को आश्रित और उपचित में इंटर कन्वर्जिबल या चेंज करते रहता है उसे ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। अगला है ट्रांसफरेज, एंजाइम क्रियाधारों के एक जोड़ी एस व एस के बीच एक समूह हाइड्रोजन के अतिरिक्त के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है तो उसे ट्रांसफरेज कहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं एक बार जी जो है एस के साथ कंबाइन है, दूसरी बार जो है जी जी एस डैश के साथ। हाइड्रोलेज एंजाइम ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक कार्बन 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 हैलाइड या फॉस्फोरस नाइट्रोजन बंध का जलापन करता है तो उसे हाइड्रोलेज कहते हैं। लाइज जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधार के समूह के अलग होने को उत्प्रेरित करता है जिसके परिणाम स्वरूप द्विबंध का निर्माण होता है, ठीक है, लाइगेज कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोमरेज, वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय ज्यामिति व स्थिति समावयों के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है तो उसे आइसोमरेज कहेंगे। लाइगेज एंजाइम दो यौगिकों को आपस में जोड़ने को उत्प्रेरित करता है जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बंधों का निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है उसे लाइगेजेस कहते हैं। अगला है कोफैक्टर, ठीक है, एंजाइम एक या अनेक बहु पेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, कुछ स्थिति में इतर प्रोटीन अवयव जिसे कोफैक्टर कहते हैं एंजाइम से बंधकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। उदाहरण के लिए एंजाइम में केवल प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहते हैं। जो कोफैक्टर होता है 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम व मेटल आयन, प्रोस्थेटिक समूह सहएंजाइम व धातु आयन। प्रोस्थेटिक समूह कार्बन यौगिक होते हैं और अन्य सहकारकों के इस रूप से भिन्न होते हैं कि एपोएंजाइम से दृढ़ता से बंधे हों। उदाहरण के लिए एंजाइम परोक्सीडेज व कैटलेज जो हाइड्रोजन परोक्साइड को ऑक्सीजन व पानी में विखंडित करता है। हीम प्रोस्थेटिक समूह होता है जो एंजाइम को सक्रिय स्तर से जोड़ता है। सह एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ध्यान से समझिएगा, कोएंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका संबंध एपोएंजाइम से अस्थायी होता है जो सामान्यतः उत्प्रेरक के दौरान बनता है। सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाओं में सहकारक के रूप में कार्य करता है। अनेक सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होते हैं जैसे कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और विटामिन नियासिन से जुड़े होते हैं NAD NADP। धातु आयन, कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वय बंध बनाते हैं। उसी समय एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारों से जुड़े होते हैं जैसे प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से जिंक एक सहकारक के रूप में जुड़ा होता है। एंजाइम से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो उसकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि जो एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बायोमोलिक्यूल्स।